हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में एसएससी एमटीएस की आंसर की के बारे में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि फ्रेंड्स आपकी आंसर की आ चुकी है। जो आपने अभी हाल ही में पेपर दिया था दोस्तों एमटीएस एसएससी का, उसकी दोस्तों आंसर की आ चुकी है। ठीक है, तो आपको आपकी आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है हम इस वीडियो में सारे डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है sarkarirezult.com। गाइस, ये ऑफिशियल साइट है, आपको इसके ऊपर आ जाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे sarkarirezult.com। ठीक है दोस्तों, आपको अपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है www.sarkarirezult.com। आपको इतना फिलअप करने बाद दोस्तों सर्च पे क्लिक कर देना है। तो जब सर्च पे क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है गाइस, नीचे आ जाइए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नीचे चेक ये कीजिए गाइज कि आपके एडमिट कार्ड किस कौन से लिंक पे क्लिक होकर या डाउनलोड होंगे। तो आपको दिखा देता हूँ मैं गाइज, आप देख रहे हैं एडमिट कार्ड, आपको नीचे आना है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे व्यू मोर, आपको व्यू मोर पे क्लिक कर देना है इस साइड पे आने के बाद। और फिर नीचे आ जाइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एस एस सी एम टी एस एडमिट कार्ड 2019, आपको गाइज के ऊपर क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ अभी इस लिंक पे। तो फ्रेंड्स मैंने क्लिक कर दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एस एस सी एम टी एस एग्जाम आंसर की 2019। ठीक है, और फिर नीचे आ जाइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप आंसर की अवेलेबल 6-11 सितंबर, मतलब दोस्तों आपकी जो आंसर की आई दोस्तों मतलब कल आई थी गाइस। ठीक है, 6 से 11 सितंबर तक आप ये आंसर की अपनी चेक कर पाएंगे, फिर ये बंद हो जाएगी चेक करने। ठीक है गाइज, फिर साइट काम नहीं करेगी आपकी। तो आप जिसको मतलब आंसर की डाउनलोड करने या फिर चेक करने हैं वो अभी कर सकते हैं। तो फिर नीचे आ जाइए। तो फ्रेंड नीचे देखिए डाउनलोड आंसर की। तो गाइज आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ क्लिक हेयर पे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया गाइज। नीचे देखिए यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन, आपको यहाँ पे यूजर आईडी डाल लेनी है। आपका जो एडमिट कार्ड होगा फ्रेंड्स, आपको उसके ऊपर आपकी यूजर आईडी मिल जाएगी आराम से। ठीक है, और जिनके पास यूजर आईडी नहीं है गाइज, वो अपना फॉरगेट कर सकते हैं। जिन लोगों को फॉरगेट करना नहीं आता, आप मुझे फ्रेंड्स बता दीजिएगा, मैं आपके इस रिलेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, टेंशन वाले कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये भर लेता हूँ गाइज। और फिर नीचे देखिए पासवर्ड, दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे पासवर्ड भरना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपका इससे मतलब कोई और पासवर्ड नहीं होगा, आपकी ओनली डेट ऑफ बर्थ होगी। और फ्रेंड्स आप बता दूं मैं आपको, आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ भरनी है गाइज, यहाँ पे आपको मतलब तिरछे जो होते हैं ना वो आपको वो नहीं लगाने। ठीक है, सिंपल नहीं लगाने, आपको डायरेक्टली जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको वो डायरेक्टली डाल देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ अब। तो फ्रेंड्स आप देखिए, आप हमारा दोस्तों ये पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो गाइज आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं ऑब्जेक्शन व्यू पे आके गाइज यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आंसर की आपको बता रहा हूँ, आंसर की आपको कैसे चेक करनी है। तो यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की गाइज, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना आपको। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट एसएससी मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 क्लिक हेयर टू जनरेट इट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर लें, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ क्लिक हेयर पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी आंसर की आपके सामने कुछ ऐसे प्रकार से होगी। आप अपना यहाँ पे रोल नंबर चेक कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर पाएंगे, नाम चेक कर पाएंगे गाइज। ठीक है, आपका दोस्तों कौन से शिफ्ट में पेपर था आप वो भी चेक कर पाएंगे गाइज। ठीक है, टेस्ट वेन्यू आपका टेस्ट कहाँ पे कौन से लेब में था फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर पाएंगे। और आपका टेस्ट दोस्तों कौन सी डेट में था आप ये भी यहाँ पे चेक आराम से कर सकते हैं। तो गाइज इस प्रकार से आपको आंसर की चेक करनी है आप फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप गाइज, वहाँ पे जो आपने क्लिक किया था ना, मतलब कि तो आपने टू ऑप्शन क्लिक किया था, लेकिन इस गाइज का आंसर है 4। तो गाइज आपका एक नंबर एक अगर आप ऐसे मतलब चेक करोगे तो गाइज आपका जो एक क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है फर्स्ट वाला। ठीक है, और फिर नीचे देखिए आप सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका आंसर दोस्तों चूज ऑप्शन दोस्तों जो हमने किया है इसका 3 है। और दोस्तों जो एस एस सी ने दिया है इसका आंसर भी दोस्तों 3 ही है। ठीक है, रिपेल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो ये है एकदम सही है। ठीक है, तो गाइज आपको इस प्रकार से करेक्ट चेक करने हैं आपके कितने राइट है कितने रॉन्ग हैं। ठीक है, आपको जब यहाँ पे ऊपर जो आपने मतलब यहाँ पे इस साइड आपको देखेंगे ना, तो गाइज आपने वहाँ पे जो क्लिक कर रखे हैं मतलब वहाँ पे जो आप क्वेश्चन करके आ रहे हो दोस्तों, जो आपको यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन दिखेंगे फ्रेंड्स, ये मतलब एस एस सी ने आंसर इनके मतलब दे रखे हैं कि आपके आंसर ये रियल हैं, ये आपने वहाँ पे कर रखे हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने आंसर की चेक कर पाएंगे। फ्रेंड्स अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्लीज़ गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मुझे देखना है कि इस प्रकार की कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आपसे मुझे कोई भी आपको मतलब मुझसे कुछ भी पूछना हो या फिर आपके आंसर के डाउनलोड करने में आपको कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है अभी, तो मुझे आप गाइज आप कमेंट करें, मैं आपके लिए दोस्तों अलग से वीडियो बना दूँ दोबारा से, ठीक है। लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, आप मुझे बता देना कि आपको किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम हो रही है आंसर के डाउनलोड करने में। गाइज आपको सिंपली आपको मैं एक बार बता देता हूँ दोस्तों, आपको sarkarirezult.com पे आना है, ठीक है, साइट ऑफिशियल साइट है दोस्तों ये, इसके ऊपर आके आपको एडमिट कार्ड पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एडमिट कार्ड के जब नीचे आएंगे दोस्तों आपको SSC MTS एडमिट कार्ड मिलेंगे, वहाँ पे आप क्लिक करके दोस्तों अपने आंसर की आराम से चेक कर पाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा गाइस, एंड फ्रेंड थैंक यू सो मच। और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता ही रहता हूँ। फ्रेंड थैंक यू सो मच।